हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि जब एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। पिछली वीडियो में आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो भी वैल्यूज निकाली जाती हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है उसके लिए मैंने आपको टेबल फॉर्म बना के दिखाई थी और उसका एक ट्रिक बताया था कि इस तरीके से आप पूरी जो टेबल है वो बना सकते हैं जब चाहें तब। आज हम बात करेंगे कि जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे sin 120, sin 150, tan 120, 150, तो क्या ये 90 से ज्यादा वैल्यू है तो इनको कैसे निकालेंगे। 90 तक की तो हम टेबल की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, तो आइए सीखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपने ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सुने होगा जिसको अपन एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के नाम में आते हैं, जिसे अपन कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसमें ये ओरिजिन है हमारा, ये हमारा एक्स डैश बोल दें उसको, मैं वाई डैश बोल देता हूँ। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम इस कार्टेशियन प्लेन में एंगल को मेजर करेंगे, मान लो यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, तो आप एंगल को इधर से मेजर नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये यहां से मेजर करेंगे। ऐसे आप ऐसे लेंगे, ऐसे ये थीटा कहां से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्सिस से। ऐसे मान लो लाइन ऐसे खींची हुई है, बोलो कि कितना एंगल है, तो हम यहां से ऐसे घूम के आएंगे ऐसे, और इसको मैंने बोल दिया थीटा 2। ऐसे यानी जब भी एंगल मेजर किया जाएगा हमेशा एक्स एक्सिस से ऐसे मेजर किया जाएगा। एंगल आप कहीं से मेजर कर सकते हो, लेकिन इस केस में हम यहां से मेजर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा रूल है, ताकि हमें थोड़ी आसानी रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। क्लियर है? कोई पूछ ले नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना, तो फिर तो ये बताना पड़ेगा अपने को। लेकिन हम अपने पूरे प्रोसेस के दौरान जितने भी एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव एक्सिस से लेंगे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका हमें क्या फायदा है और हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करो, ऐसे अपने पास जो अभी मैंने बनाया था कार्टेशियन प्लेन, उसमें अपन ने एक्स वाई लिख लिया, ये अपना नीचे वही वाई डैश और ये अपना एक्स डैश। ये जो पहला वाला 0 से लेकर 90 के बीच का ये जो कॉलम है, इसको मैंने बोल दिया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अपने क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार हिस्से हो गए अपने पास। इसको बोला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं कि हर क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो 0 से कितनी है 90। यहां से यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री, फिर जाएंगे 90 से 180, फिर 180 से जाएंगे तो 270, और 270 से जाएंगे तो वापस 360 डिग्री। और 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई 360 डिग्री का एंगल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल या जो रे है जहाँ से ऐसे इमर्ज हुई थी, वो एंगल बनाते 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 पूरा घूमकर अपनी वापस ओरिजिनल पोजिशन में पहुंच गई। जैसे ऐसे था तो ये पूरा घूम के ऐसे आ गया, ये अपना 360 डिग्री एंगल हो गया। अब हमने क्या सीखा था कि देखो, अपन ने जो 0 से लेकर 90 की वैल्यू निकाली थी उसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं थी जो नेगेटिव थी, सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। साइन की, कॉस की, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब की वैल्यू पॉजिटिव थी, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई थी। इसका मतलब 0 से लेकर 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि भाई सारी वैल्यू पॉजिटिव, यानी ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। कोई डाउट है कि भाई जब कोई वैल्यू नेगेटिव आई नहीं तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या रखना है कि साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, बाकी इनको छोड़कर सबकी नेगेटिव होगी। यानी सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस की बात करी जाए, टेन की बात करी जाए, सेक की बात करी जाए, कॉट की बात करी जाए, तो ये सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, क्योंकि देखो साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, है ना। ऐसे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमने मान लिया कि जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव है, और इसके अंदर इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव आता है। इसके भी रीजन होते हैं, उनकी इतनी डिटेल पे हम नहीं जा रहे भी, ताकि हम जल्दी से चीजें सीख जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट। अब कौन से दो बच गए, सेक और कॉस, तो यानी कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी क्वाड्रेंट कौन से, इसमें और इसमें, नेगेटिव होंगे, क्योंकि पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव हैं। तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन थीटा कॉट थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और sin थीटा cosec थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब ये हमने याद कर लिया, अब हमें फायदा क्या हुआ देखो ध्यान से देखें। मान लो आपको पूछा गया कि बताओ sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू फाइंड आउट sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने क्या ट्रिक लगाया ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, जब यहां 90 दिखा है, इसे लिखा है 90 प्लस थीटा, तो जब भी यहां 90 लिखा हो और प्लस का और माइनस का थीटा है, जरूरी थीटा है प्लस का ही हो, माइनस का भी हो सकता है, या यहां लिखा हो 270 प्लस माइनस का थीटा, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या और क्या मिल सकता है देखो 180 है तो 180 से कम भी हो सकता है, 180 से ज्यादा, तो यहां लिखा हो सकता है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस का थीटा, ये लिखा हुआ मिल सकता है आपको। दोनों ही केस में अगर आपको ये वाला केस मिलता है तो आप क्या करेंगे चेंज, अब चेंज क्या करना मैं बताऊंगा आपको, इसको आपको क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। हाँ, और यहां पर जब लिख के आएगा 180 प्लस 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, हम करेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्या चेंज करना है सर, क्या चेंज नहीं करना है। देखो जब साइन के साथ 90 आ रहा है, मैंने कहा था जब ये 90 दिख जाए या फिर 270 दिख जाए उस केस में मुझे क्या करना है भाई, चेंज करना है। तो हम चेंज किसको करेंगे, पड़ोसियों में, किसमें चेंज करेंगे पड़ोसियों में, पड़ोसी क्या थे मैंने याद करवाए थे आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, पड़ोसी किसका, साइन का पड़ोसी कॉस, टेन का पड़ोसी कॉट, सेक का पड़ोसी कॉसेक, इसीलिए मैंने आपको रटवाया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। तो साइन को हम चेंज करेंगे, यहां लिखा ना 90 और 270 दिखते ही आपको क्या करना है चेंज करना है, तो भाई साइन को क्या बढ़ा देंगे अपन कॉस, और 90 हटा देंगे और क्या लगा देंगे जो यहां लिखा हुआ, वो यहां क्या लिखा हुआ है थीटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया कॉस थीटा। जैसे मान लो लिखा हुआ है टेन 270 माइनस थीटा, क्या लिखा आपको 270, यानी चेंज करना है टेन का पड़ोसी, टेन के स्क्वायर कौन आता है कॉट, तो यहां जाएगा कॉट, तो ठीक है चेंज हो गया, अब क्या लिखा है थीटा, तो यहां कॉट थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि 90 और 270 देखते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि चेंज कर देना है, किसमें पड़ोसी में, साइन को कॉस में और टेन को कॉट में। अब बात करते हैं साइन की, ये जो साइन है ये साइन 90 प्लस थीटा जो मैंने लिखा है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 यहां है प्लस का थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा भी कैसा आएगा पॉजिटिव। इसको देखते हैं टेन थीटा में 10 टू 70 माइनस थीटा, तो 270 माइनस यानी इसी क्वाड्रेंट में वापस, 270 से कम है ना तो उधर आएंगे वापस, तो इस वाले क्वाड्रेंट में 10 कैसा है पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव तो इसका आंसर भी कैसा आएगा पॉजिटिव। अब ये दो बातें आपको बहुत मूल रूप से याद रखनी है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कब चेंज करना और कब नहीं करना, 90 और 270 देखते ही आपको चेंज कर दो पड़ोसी में। अब क्या देखना है अपने को साइन, साइन कैसे देखोगे कि आप जिसको चेंज कर रहे हो उसका साइन देखना है, आप यहां किसको चेंज कर रहे हो साइन को, कौन से क्वाड्रेंट में 90 प्लस का यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा है पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूं, जैसे मान लो आपको ये लिखा हुआ मिल गया कॉस 360 प्लस थीटा, ठीक है। आप ध्यान से देखो मुझे कॉस को चेंज करना, तो पहले ये देखो यहां चेंज करूं कि नहीं करूं, तो अपने लिखा कि 360 है नो चेंज, यानी मैं लिख दूंगा कॉस, चेंज नहीं करूंगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और साथ में थीटा। अब मैं इसमें प्लस लगाऊं कि माइनस, तो आप बताओ ये कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 और प्लस थीटा क्या इस क्वाड्रेंट में जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या जाएगा पॉजिटिव। मैंने लिख दिया साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, अब ध्यान से देखना चेंज होगा नहीं होगा, होगा भाई, क्यों, क्योंकि 270 है, चेंज होगा तो अपन क्या लिख देंगे साइन का पड़ोसी कॉस और साथ में क्या लगा देंगे थीटा, चेंज हो गया। अब साइन, तो साइन कहां रहा हमारा, साइन जा रहा 270 प्लस थीटा में, तो 270 यहां है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा है नेगेटिव, तो आंसर क्या जाएगा नेगेटिव का माइनस कॉस थीटा, नेगेटिव
यानी माइनस का कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई आपको? पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 90 और 270 देख के चेंज करना है किसमें, पड़ोसी में। अगर 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा लिख देना है और साथ में थीटा का थीटा लगा दो। फिर साइन देखने के लिए आप देखो कि जिसको आप चेंज कर रहे हो वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं आपको उसका थोड़ा वैल्यूज में एग्जांपल लेके कराता हूं। जैसे मान लो कि आपको वैल्यूज दे रखी है, से आपको बोल गया बताओ साइन 330 की वैल्यू बताइए, है ना, साइन 330। अब ये एंगल बड़ा हो गया हमारा। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं साइन 330 कैसे लिख सकता हूं, देखो साइन 360 माइनस का 30 जब घटाएंगे तो यही आएगा। जरूरी नहीं मैं ऐसे लिखूं, मैं ये भी लिख सकता था साइन 270 प्लस का 60 डिग्री, मैं ऐसे भी लिख सकता था। दोनों की बात है, 270 प्लस 60 330, 360 माइनस 30 330। अब मैं करता हूं उनका चेंज कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी भी सिखाया आपको, सबसे पहले यहां देखो प्लस माइनस क्या है, क्या यहाँ 360 है या 180 है या 290 है 270 है। तो मैंने देखा यहाँ 360 है, 360 होते मैंने वहां में आया कह रहे नहीं नहीं इसको तो चेंज करना ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया साइन, ठीक है, चेंज ही नहीं करा, और 30 का 30 है ना। इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं, इस प्लस से भी कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या लेना, अब हमें क्या देखना है कि इसका साइन क्या आएगा। तो 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 क्वाड्रेंट नंबर 4, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में तो भैया साइन नेगेटिव होगा क्योंकि वहां से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और साइन 30 का जो मैंने आपको टेबल से बना के दिखाई थी, माइनस का 1/2 ही आंसर आ गया, इससे भी यही आंसर आना चाहिए तो हमारी बात सही रहेगी। साइन 270 प्लस 60 सबसे पहले चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 270 आ गया तो क्या जाएगा, कॉस 60 डिग्री। प्लस का कि माइनस का देख चेक कर लेते हैं, 270 प्लस इधर और इधर जाएंगे तो वही प्लस का आंसर आएगा कि माइनस का, माइनस है, क्यों, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू कहां जा रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है वैसा नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी नेगेटिव, इसलिए माइनस। और मैं माइनस का माइनस कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, वही सेम 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू थी, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू थी, एक दूसरे के ऐसे रिवर्स थे हॉरिजॉन्टली, मैंने बोला था। अब ऐसे में कोई सी वैल्यू निकाल दी जाए, मान लो मुझे किसी ने कह दिया कि भाई 10 है ना 540 की वैल्यू बता दो, या मान लो मुझे कह दिया कि 570 की वैल्यू बता दो, है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ इजीली। मैं क्या लिखवा लू, 10 360 प्लस 180 प्लस 30, इन सबको जोड़ो, जब भी वैल्यू 360 से ऊपर हो तो सबसे पहले उसमें 360 निकाल दो। क्यों निकाल दो, उसका रीजन है, जब एक चक्कर पूरा लग गया तो हम तो जानते हैं वहीं पहुंच गए ना, तो 360 का कोई काम ही नहीं है क्योंकि वापस ही आ गए, तो 360 को वापस निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे अपन, कोई यूज नहीं। अब हमारे पास ये मैटर बचा, 360 का मतलब क्या हुआ कि हम एक बार चले और वहीं पहुंच गए, तो काम की बात कौन सी रहेगी, ये तो मैं इसको ऐसे, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा 10 180 प्लस 30, ठीक है। मैंने इसको नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि कंप्लीट चक्कर लग गया भाई, कंप्लीट राउंड हो चुका है, कंप्लीट राउंड। अब इसके लिए आपको पता है 10 180 प्लस 30 बोला है तो अपन 10 का चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 180 है, साथ में क्या जाएगा 30। अब अपन देखें कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 10 180 प्लस 30 क्या इसमें आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और 10 30 वैल्यू होती है 1/√3। इस तरीके से आप कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, आपसे कुछ भी वैल्यू पूछ लिया आप निकाल सकते हैं, है ना। आपको किसी ने कह दिया कि सर मुझे तो कॉस 210 की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखूंगा कॉस 180 प्लस का 30, ठीक है। अब मैं जानता हूं ये 180 आ गया तो चेंज नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया कॉस 30 डिग्री। अच्छा साइन देखना, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस तो फोर्थ तो पॉजिटिव था, तो यहाँ कॉस नेगेटिव, तो यहाँ लगा देंगे हम नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर कोई खूब बड़ी वैल्यू भी हो, जैसे मान लो 1120 आ जाए या कुछ भी वैल्यू 1100
50 आ जाएगी। तो उस केस में क्या करोगे आप, थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस कर दो, कितने बार माइनस हो उसको निकाल दो बाहर, और अब जो वैल्यू बच जाए उसको अपन इस फॉर्मेट में ऐसे लिख लेंगे। मान लो यहाँ 360 दो बार आ जाता तो मैं दोनों बार 360 ग्रैब कर देता। मैं क्या करूंगा, जब मुझे वैल्यू 360 से ऊपर मिल जाएंगी तो मैं जितने 360 बन सकते हैं उसमें पॉसिबल उनको सबको ग्रैब करूंगा, फिर जो बचेगा उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा इसी मेथड से। मैं अगर फिर से बता दूंगा आपको, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कॉस थीटा। आपसे देखो साइन कॉस पड़ोसी होते थे लेकिन आमने सामने हो गए अब, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देख लेंगे कि 90 प्लस है कि 270 प्लस है, अगर ये दोनों में से कुछ भी है तो अपन चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, पड़ोसी में। फिर अपन देख लेंगे 180 है 360 है तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे बताए दिए हैं, नहीं समझ में आए तो आप एक बार उसको रिवाइंड करके देख लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।